माँ की दुआ बुरा वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती है। गुरु माँ रुक्मणी जी से निशुल्क मिले हर गुरुवार जनता दरबार। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या आकर मिले 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में। दूसरों का अच्छा करने पर भी क्यों मिलती है आपको बुराई बदनामी और धोखा। जय शनिदेव। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपकी गुरु माँ आपको कुछ ऐसी विशेष बातें बताने आई हैं जिसे जानने के बाद कोई आपको धोखा नहीं दे सकेगा और आपके दुख की जो कारण बिंदु है वो भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब भी मेरे बच्चों को तकलीफ होती है, वो दुख में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, तो माँ को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। इसीलिए इस टॉपिक को लेकर के आई हूँ, इसे समझना बहुत जरूरी है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। ग्रहों की बात गुरु माँ के साथ। सबसे पहले जानेंगे कि लोग आपको बदनाम क्यों करते हैं। इसका जो कारण है वो है आपका अच्छा स्वभाव। मेष राशि वाले मेरे जितने भी बच्चे हैं या इस दुनिया में जितने भी मेष राशि के एरियस राशि के जातक हैं, वो सभी बहुत मेहनती होते हैं, बहुत लगन से अपने कार्य को करते हैं। अगर इनके सामने कोई भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति आती है तो वो स्वयं को उससे उभार ही लेते हैं, उसमें कभी भी फंसते नहीं। निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, किसी से डरते नहीं, किसी से दबते नहीं। ये अपनी जिंदगी को अपने शर्तों पर जीते हैं और ऐसे ही कामयाबी भी पाते हैं। अब इतने अच्छे गुण जब आप में आएंगे, लीडरशिप की क्वालिटी आएगी, आप लोगों को रास्ता दिखाने वाले होंगे, गलत बात को सहेंगे नहीं, तो आपके आस पास के लोग आपसे नेचुरली जलन करेंगे। और जलन करने के कारण ही, क्योंकि उनके अंदर उस प्रकार के गुण नहीं है, ना ही आप जैसी क्षमताएं हैं, उस जलन के कारण, उस जेलसी के कारण वो आपको बदनाम करते हैं। मैंने सुना है एक गांव में 100 घर थे, गांव में बिजली आती ही नहीं थी, लेकिन किसी को भी उससे कोई आपत्ति नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, सब लोगों का काम मजे से चल रहा था। समस्या तो तब हुई जब वहां एक गांव वाला शहर गया और शहर से लालटेन ले आया। लालटेन लगाते ही उसका घर जगमगाने लगा। अब इन 99 लोगों को बहुत तकलीफ होने लगी। आज तक तकलीफ नहीं थी कि अंधेरे में थे, लेकिन किसी एक के घर में रोशनी हो गई तो बहुत तकलीफ होने लगी। अब उन 99 लोगों के पास केवल दो ऑप्शन हैं, दो तरीके हैं कि इस समस्याओं से निकल सके। सबसे पहला तरीका उनके पास ये है कि वो सारे 99 के 99 लोग जाएं, जाकर के शहर से लालटेन लाएं और अपने घर में लगा लें। और दूसरा जो बेहद आसान तरीका है वो है कि एक पत्थर लें और उस एक आदमी की लालटेन पे मारें और जय श्री कृष्ण, समस्या का पूरा समाधान। तो लोग तो इसी प्रकार के होते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, अगर लोग आपसे जलते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपको देख करके उनको अच्छा नहीं लगता है, तो समझ जाओ कि आप में कुछ खास बात है, कुछ तो ऐसा है जो वो पा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आपसे जल रहे हैं। आप तरक्की के रास्ते पे हैं, आगे जरूर बढ़ेंगे। और बुराई करने वाले, निंदा करने वाले, जलन करने वाले, चुगली करने वाले भी तीन तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले तरह के जो लोग होते हैं वो होते हैं जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। कि आपने किसी व्यक्ति से सुना कि ये आपके बारे में ऐसा कहता है या ऐसा सोचता है। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो लोगों के मत के हिसाब से अपना मत बदल देते हैं, यानी कि अगर 4 लोग खड़े हैं, उस 4 में से 3 आपके फेवर में हैं, तो वो भी आपके फेवर में हो जाएंगे, आपको अच्छा कहेंगे, और अगर 3 खराब आपके बारे में बोलेंगे तो वो भी आपके बारे में खराब बोलने लगेंगे। तो इनका विशेषकर अपना कोई मत नहीं होता है, ये लोगों के मत के हिसाब से अपना मत बदलते रहते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो मुंह पर निंदा करते हैं, बदनामी करते हैं, बुराई बोलते हैं। ये लोग बहुत कड़वे लगते हैं, मैं समझती हूँ, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके आसपास होगा तो मन करता है उसकी शक्ल ही ना देखो, कभी दूर से आ रहा हो तो मन करता है कहीं कट लो। लेकिन ये जो लोग होते हैं ये आपके सच्चे हितैषी होते हैं। उस बेचारे को तो पता भी नहीं है कि आपका भला कर रहा है, लेकिन वो आपकी बदनामी बुराई की जगह सच में आपका भला कर रहा होता है।
कबीर दास जी ने कहा है ना, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। अरे जो व्यक्ति मुंह पर आपकी निंदा कर रहा है तो आपकी कमी बता रहा है, और यदि उस कमी को आपने ठीक कर लिया ना तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए अगली बार कोई भी बदनाम करे, बुराई करे, तो मन में इन बातों को याद जरूर कर लेना। आपके मन में इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी होगी कि उसका ठिकाना नहीं, और आपकी मंजिल तक पहुंचने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। कहते ना, हाथी चलता है तो कुत्ते तो भौंकते ही है, क्योंकि वो हाथी नहीं बन सकते। जय शनिदेव। आप सभी की समस्या का निवारण करने के लिए अपने 10 वर्षों की साधना, तपस्या और अनुसंधान के बाद मैं गुरु महात्मनी लाई हूँ आप सबके कष्टों को दूर करने के लिए मंत्र सिद्ध सत मनोकामना सिद्धि लॉकेट। नौ रत्नों वाले इस लॉकेट को अपने गले में धारण करने से आपको समस्त नौ ग्रह शुभ फल प्रदान करने लगते हैं, और नीचे लगी ये जो दिव्य कर्क पौड़ी है, जब ये आपके शरीर को स्पर्श करती है तो ऋग्वेद की श्री सूक्त की जो ऋचाएं हैं और लक्ष्मी मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण ये आपके जीवन की सभी धन संबंधी समस्याओं को दूर करती है, कर्जों से मुक्ति दिलाती है और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर के आती है। बाजार में मिलने वाले अन्य रत्नों की अंगूठियां और लॉकेट किसी सिद्ध पुरुष द्वारा 3 दिन तक मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत नहीं होते हैं। इसी कारण इस कलयुग में बहुत से ऐसे कम लोग हैं जिन्हें सच में रत्नों का प्रभाव महसूस होता है। हमारे द्वारा मंत्र सिद्ध रत्नों से हम 133 देशों के लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि भर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल गुरु रजनीश शिशि जी, जिसपे 19 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वहां पर जाकर के आप ऐसे चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त किए हुए हजारों लोगों का वीडियो देख सकते हैं। मेरे द्वारा मंत्र सिद्ध सर्व मनोकामना सिद्धि लॉकेट को प्राप्त करने के लिए हमारे शनिपीठ मंदिर नई दिल्ली में अभी कॉल करें या हमें व्हाट्सएप करें। जय शांति। क्यों लोगों का अच्छा करने पर भी आपको बदले में केवल बुराई ही मिलती है? जब भी आप किसी का अच्छा कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि मदद का हाथ और दान केवल सुपात्र को ही दिया जाता है। अगर कुपात्र को आप मदद का हाथ देते हैं, उसकी मदद करते हैं या उसको दान देते हैं, वो उसी प्रकार से है जैसे कोयले की खदान में आप जा रहे हैं, आपने कुछ छुआ नहीं है लेकिन फिर भी वहां जाके आपके कपड़े गंदे हो ही जाएंगे, कालक उस पे लग ही जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी की मदद कर रहे हैं तो सोच लीजिए, क्या ये मदद के योग्य है, क्या ये सुपात्र है, क्या ऐसा तो नहीं मैं इसकी मदद करूंगा और ये उससे कोई गलत काम करे। तो हमेशा ही सुपात्र को ही अपनी मदद दें। दूसरा, अपने आप से जब भी किसी की मदद कर रहे हैं तो ये पूछें कि ये मदद आप क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में ये व्यक्ति आपकी वापस मदद करे? क्या आपके मन में यह है कि आज मैं इसके काम आऊंगा तो कल ये भी मेरे काम आएगा? अगर आप इस भावना से किसी की मदद कर रहे हैं तो ये तो भैया सौदा हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, निवेश हो गया आपका कि आज मैं कुछ अच्छा करूंगा तो कल इसका रिटर्न मुझे अच्छा आएगा, तो ये तो मदद नहीं है। मदद क्या है? किसी की मदद करना सच में है नेकी कर और दरिया में डाल। दान के विषय में कहते हैं कि जब दान करो तो एक हाथ से ऐसे दान करो कि दूसरे हाथ को पता ना चले। तो अगर मदद भी आपके जीवन में आप इसी प्रकार से कर रहे हैं तो ऐसी मदद का जो अच्छा फल है वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा, उसका जो फल है आपको बुराई ही मिलेगी। लेकिन अगर आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, सुपात्र की मदद करते हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे आपका नाम, सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव सब कुछ अपने आप ही बढ़ने लगा है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, लोग आपके गुण गाते नहीं थक रहे हैं। मैंने सुना है एक दिन एक स्वामी जी थे, वो स्वामी जी किसी ऐसे प्रदेश में गए, वो साउथ इंडियन थे और गए वो ऐसे नॉर्थ इंडिया की जगह पे जहां पर किसी को भी उनकी भाषा नहीं आती थी और उनकी भी भाषा किसी को समझ में नहीं आती थी। तो वो केवल एक ही बात बोलते थे, परवाह इल्ले, यानी कि मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, परवाह इल्ले। तो जब भी दान मांगने जाते तो कहते परवाह इल्ले, किसी कोई पास आता उसको आशीर्वाद देते तो कहते परवाह इल्ले। लोगों को धीरे धीरे लगा कि शायद स्वामी जी ने इसी एक शब्द पे सिद्धि प्राप्त की होगी, तो इसीलिए इस कारण वो ये ऐसे कहते हैं। जब
नए गांव में आए, धीरे धीरे लोगों ने उनको जाना, और जाना कि केवल स्वामी जी एक ही शब्द कहते हैं, इसके अलावा कुछ कहते ही नहीं है। चाहे कोई भी घटना हो जाए, उनके मुख से एक ही चीज निकलती है, परवाइल। ये सुनकर के बहुत से गांव से लोग उनको देखने आने लगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आने लगे कि ये जरूर कोई योगी जन है, कोई सिद्ध पुरुष है। एक दिन स्वामी जी के पास एक कन्या आई और वो कन्या काफी मजबूर और परेशान लग रही थी। पिताजी उनके उसको लेकर के आए थे, तो पिताजी ने कहा, महाराज इसको आशीर्वाद दीजिए कि इसका मैं विवाह करने जा रहा हूँ, इसका विवाह जो है वो संपन्न हो जाए। स्वामी जी ने जब उस कन्या की ओर देखा तो देखा कि वो प्रसन्न नहीं है, वो ये रिश्ता नहीं करना चाहती। और गहरे से जब उन्होंने उसका अवलोकन किया, देखा उस कन्या को, उसके बारे में अपने अंतर दृष्टि से जाना, तो वो किसी और से प्रेम करती थी। कुछ समय बाद वो फिर से अकेले अपने प्रेमी के साथ महाराज के पास, स्वामी जी के पास आई और आकर के कहने लगी कि महाराज मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है, मैं विवाह नहीं करना चाहती, तो आप कृपया ऐसा कहिए मेरे पिताजी से कि ये जो लड़का है ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। स्वामी जी मदद करने को मान गए, उन्होंने कहा परवाइल। अब जैसे ही वो पिताजी को लेकर के कन्या आई, स्वामी जी ने सब हाल बताया कि भैया ये लड़का अच्छा नहीं लग रहा है, ये शादी मत करो, परवाइल। कन्या का विवाह टूट गया, वो अपने प्रेमी के साथ प्रेम प्रसंग को और आगे बढ़ाने लगी। कुछ समय बाद वो गर्भवती हो गई। अब उसके घर वाले बहुत गुस्से में बार बार कन्या से पूछ रहे थे कि ये किसका बच्चा है। अब वो कन्या अपने प्रेमी का नाम नहीं ले सकती थी क्योंकि वो दूसरी जाति का था, यदि वो कह देती तो वो उसको मार ही डालते। तो अपने प्रेमी की रक्षा करने के लिए, उसको बचाने के लिए उस कन्या ने कहा कि ये बच्चा परवाइल्ले स्वामी का है। अब जो लोग जय जयकार करते थे परवाइल्ले स्वामी की, वो उनके घर पे लाठियां लेकर के, उनके कुटिया पे लाठियां लेकर के पहुंचे, उनको खूब पीटा। स्वामी जी एक ही बात कहते रहे परवाइल्ले। पंचायत ने फैसला सुनाया कि क्योंकि ये जो कन्या है ये स्वामी जी के साथ ही गर्भवती हुई है, तो उनको कुटिया के बाहर इन दोनों को रहना चाहिए और इनको गांव से हमें निष्कासित कर देना चाहिए। अब वो जो कन्या थी और वो जो स्वामी जी थे वो कुटिया में रहने लगे। कन्या को अपनी भूल का एहसास था, उसने स्वामी जी से क्षमा मांगी और स्वामी जी को तो एक ही बात थी परवाइल्ले। स्वामी जी के साथ रहते रहते उस कन्या का हृदय परिवर्तन हुआ, वो सुपात्र बनी, उसके मन का मैल हटा और उसने हिम्मत पूर्वक अपने प्रेमी से बात की, प्रेमी में भी हिम्मत आई और दोनों ने जाकर के पंचायत के सामने अपना रिश्ता कबूल किया। और परवाइल्ले स्वामी के आशीर्वाद से और सभी गाँव वालों के, उनके माता पिता की मर्जी से उनका विवाह सम्पन्न हुआ। लोगों ने कहा कि स्वामी जी हमने आपका कितना अपमान किया, हमें आप क्षमा कर दें। स्वामी जी के पास केवल एक ही शब्द था, जब उनका अपमान हो रहा था तब भी, जब लोग उनकी बुराई कर रहे थे तब भी, और आज जब लोग फिर से उनकी प्रशंसा के पुण्य बांध रहे थे, फिर से उनकी तपश्चर्या का गुणगान कर रहे थे, उनके पास एक ही शब्द था परवाइल्ले। तो इसीलिए अगर आपको किसी की अच्छाई करनी है तो हमेशा सुपात्र की करो और हमेशा मन में अच्छाई करते समय ये इच्छा करो परवाइल्ले, मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, मैंने तो नेकी की और करके हम भूल गए। आप स्वयं ही देखोगे कि कुछ समय बाद हो सकता है उस व्यक्ति से आपको कुछ हेल्प नहीं मिली, हो सकता है उस व्यक्ति ने आपकी कोई भी मदद नहीं करी, लेकिन कुछ समय बाद आप स्वयं ही देखेंगे कि जब जब आप संकट में थे, चाहे उस व्यक्ति ने आपकी सहायता नहीं की, परंतु कोई ना कोई भगवान का प्यारा मनुष्य रूप लेकर के आपके पास आया और उसने आपकी सहायता कर दी। आपको आपकी अच्छाई का पूर्ण फल तभी मिलेगा जब आप अच्छाई के फल की इच्छा समाप्त कर देंगे। तो जिन भी लोगों के साथ ये समस्या है कि दूसरों का अच्छा करने पर केवल और केवल बुराई हाथ आती है, तो आपको बहुत अच्छा मंत्र सिखाया है मैंने परवाइल्ले। जब भी किसी की मदद करो मन में बोल लेना परवाइल्ले, और वो अच्छाई जो है वो पूर्ण रूप से फलित होगी।
पूरी तरीके से आपकी अच्छाई फलित हो उसके लिए आपको फल की इच्छा करनी बंद करनी होगी। आगे बढ़ने से पहले किसी भक्त से आपको मिलाना चाहूंगी, उनकी बात सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद में आपको दूसरी बात दूसरा पॉइंट बताऊंगी कि क्यों लोग आपको धोखा देते हैं। नमस्ते, जय शांति, जय गुरु जी, जय गुरु गुरुमा। क्या बताऊँ आपको, बात मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं बोल नहीं सकती हूँ। गुरुमा आप तो मेरी प्रेरणा हो, मैं जो खोया उससे ज़्यादा मुझे मिला है, आप जैसा माँ आप जैसा गुरु मिला है मुझे उससे ज़्यादा के। तो आपको मैं हमेशा हर समय देखती हूँ, रात को भी नींद ना आए तो आपको मोबाइल पर आपको फोटो देखती हूँ। बस मैं तो मुरझा ही थी, आपने मुझे खिलखिला दिया। मेरे जो टेंशन थी टेंशन एक जगह मैं एक जगह भी रहती हूँ। गुरुमा मैं जो खोया हूँ ना उससे ज़्यादा मुझे मिला है, गुरुमा मिला है, गुरु जी मिला है। माँ हमेशा हम लोगों का साथ में रहिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो जब मैं हमेशा आपका साथ रहना चाहती हूँ, जब मत छोड़िएगा, यही मेरे मैंने प्रार्थना है आपसे। साथ साथ कुटी प्रणाम, जय गुरु जी, जय गुरुमा। और गुरुमा कांचन जी से भी थैंक्स बोलना, मुझे उन्होंने मुझे मिला है आपसे। जय गुरुमा, आपसे हमेशा आई लव यू माँ। अब दूसरी बात बताती हूँ कि क्यों मेरे बच्चों को लोग धोखा देते हैं, क्यों आप ही सबके धोखे के शिकार बन जाते हैं। देखिए, जब भी आपको किसी से धोखा मिलता है, आघात मिलता है, कोई आपको ठगता है, लूटता है, झूठ बोलता है और या आपसे काम निकालने की कोशिश करता है, आपको धोखा दे करके, ऐसे में व्यक्ति बहुत ज्यादा टूट जाता है। लेकिन इसका कारण अगर हम ज्योतिष में देखें तो अक्सर देखा गया है, अगर आपका लग्नेश कमजोर है, यानी आपका जो लगन का जो लगन चार्ट होता है, लगन कुंडली होता है, उसके अंदर जो पहले खाने के अंदर जो नंबर लिखा है, उसका जो स्वामी है, यानी कि आपके लगन का जो स्वामी है, वो जो ग्रह है, अगर आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है या सूर्य चंद्र आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में आपको धोखा देने के चांसेस बहुत ज्यादा या धोखा मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम वैसे ही आध्यात्मिक रूप से धोखे को देखें तो देखो इसके दो ही कारण होते हैं। अगर किसी ने आज आपको धोखा दिया है तो इस बात को मन में हमेशा याद रखो कि वो अपने कर्म को खराब कर रहा है। अगर उसने आज आपको धोखा दिया है तो आने वाले समय में उसको उस धोखे का फल अवश्य मिलेगा, ये बात कोई टाल ही नहीं सकता। जिस प्रकार से रोज सुबह सूर्य को उगना ही है और शाम को अस्त ही होना है, उसी प्रकार से कर्मों का जो फल है वो मिलके ही रहता है। तो हमेशा मन में अगर किसी ने धोखा दिया है तो उसको क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, बेचारा है वो, उसे मालूम ही नहीं उसने क्या किया है, अपने लिए गड्ढा स्वयं खोदा है जिसमें वो जाकर के गिर जाएगा और कोई उसे निकालने वाला भी नहीं होगा। तो मन में से उसको क्षमा कर दो, कोई वैमनस्य की भावना, कोई बुरी भावना मत पालो, पालने से आपके कर्म खराब होंगे, तो उसको माफ कर दो और सोचो कि हे प्रभु, उसके कर्मों का कर्म जो है, जो फल है वो उसी को प्राप्त होगा और उसी को प्राप्त हो। दूसरा, अगर आपको कोई धोखा देता है तो हो सकता है पिछले जन्म में आपके द्वारा उस व्यक्ति को धोखा दिया गया हो। हाँ, हमें याद नहीं रहता है और अच्छा है कि भगवान ने ये व्यवस्था की है कि हमें पिछले जन्मों के जो कर्म है वो याद नहीं, क्योंकि याद होते ना तो फिर से अपनी जिंदगी को प्रारंभ करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। भगवान हमें हर थोड़े समय बाद, सोच लो 70-80-90 साल बाद, बार बार मौका देते हैं अपने जीवन को रीराइट करने का। कि मान लो आपने क्वेश्चन पेपर में गलत गलत आंसर लिख दिए थे, तो अब क्या करें, अब तो फेल होना था, तो उस फेल को छोड़ करके दोबारा से एक नया शरीर, नई योनि मिलती है, दोबारा से पेपर लिखने का मौका मिलता है। तो ये भगवान ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। मैंने सुना है एक गांव में दो लोग रहते थे, उन्होंने आपस में एक साथ पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू किया। ऐसा करने पर उनकी तरक्की भी हुई, उनको संपत्ति भी बनी, लेकिन जैसे जैसे साल बीत रहे थे उनमें से एक पार्टनर की नीयत खराब होने लगी। उसने सोचा कि सारा काम तो मैं करता हूँ, दुकान पे मैं बैठता हूँ, इसने तो पैसा लगाया और वो हर महीने आके इतने सारे पैसे ले जाता है, ऐसा
बुरी बुरी भावना उसके मन में आई, जबकि वो सब सच नहीं था, और ये सोच करके उसने अपने पार्टनर को धोखा दे दिया। पार्टनर बिल्कुल रोड पे आ गया। कुछ वर्ष बीते तो धीरे धीरे करके उस धोखे से वो पार्टनर उठने लगा, लेकिन ये जिसने धोखा दिया था उसके पास बहुत सारी संपत्ति हो गई, क्योंकि दूसरे को लूट करके भी तो संपत्ति उसने इकट्ठी की थी। अब मन में जिसने धोखा दिया था वो बहुत खुश होता, देखो आज मैं कहां से कहां पहुंच गया, और ये देखो बेचारा अब दोबारा से अपने काम को शुरू कर रहा है। धीरे धीरे करके दोनों के काम अच्छे होने लगे, और अपने जीवन को अच्छे प्रकार से देख करके वो उन दोनों ने ही शरीर को छोड़ दिया। दोबारा दोनों का पुनर्जन्म हुआ। जिस व्यक्ति ने धोखा दिया था वो एक बहुत अमीर सेठ बना, खूब उसके पास पैसा था। पिछले जन्म में भी तो उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया था लोगों को धोखा दे दे के, तो वो फिर से अमीर बना। अमीर बनने के बाद उसके घर में कुछ सालों बाद एक पुत्र संतान हुई। जन्म के साथ ही वो संतान बहुत बीमार रहती थी। अपने बच्चे को ठीक कराने के लिए, इलाज कराने के लिए उसने न जाने कौन कौन सा दर्द देखा, और हर जगह वो अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए खूब पैसा लुटाता। हालत ऐसी हो गई कि उसका घर, व्यापार, उसकी जमीन जायदाद सब बिकने लगी, लेकिन उसका बच्चा ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और एक दिन ऐसा आया कि जब उसके बच्चे ने प्राण त्याग दिए। वो खूब रोने लगा कि मैंने सब कुछ किया, मैंने इतना पैसा खर्चा किया, फिर भी अपने बच्चे को बचा ना सका। ऐसा कौन सा पाप मैंने कर लिया इस जन्म में जिसके कारण मेरे साथ ऐसा हो गया। वो एक साधु सन्यासी के पास गया, क्योंकि बहुत डिप्रेशन में रहने लगा था, परेशान रहने लगा था, सब कुछ तो उसने खो दिया था। एक साधु, एक फकीर बाबा के पास गया। उनसे जाकर के उसने प्रश्न किया कि मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, अच्छा काम किया, सब कुछ अच्छा किया, अपने बच्चे को इतने पैसे होने के बाद भी बचा न सका, हे महाराज आप ही बताओ मेरा क्या कसूर है। उन साधु बाबा ने उसकी लकीरें देखी और देख करके उसको बताया कि देख, पिछले जन्म में तू और तेरा एक पार्टनर हुआ करता था, तुम दोनों ही खूब सेठ थे, दोनों ने साथ मिलके खूब पैसा कमाया, लेकिन फिर तेरी नियत में खोट हो गया, तूने उसे धोखा दिया, और धोखा देने के बाद अब वो इस जन्म पे तुझसे वही पैसा वसूल करने आया था। वो तब तक ही तेरे पास रहा जब तक तेरे पास वो सब पैसा था, उसने सारा खर्चा तुझसे कराया और अब ये सब लेकर के वो चला गया, क्योंकि व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का दोनों का हिसाब किताब देना ही पड़ता है। तो अगर किसी ने धोखा दिया है तो हमेशा समझ लो उसके कर्म उसके साथ जाएंगे, कभी पीछा छोड़ ही नहीं सकते। और अगर आपके मन को फिर भी तसल्ली ना हो तो एक बार आकर के हमसे मिल लेना, हम देखेंगे कि क्या आपकी किस्मत में ऐसी कोई समस्या तो नहीं, कहीं आपके लग्नेश इतने कमजोर तो नहीं, या कुंडली में सूर्य चंद्र इतने कमजोर तो नहीं जिसके कारण आप लोगों के धोखे के शिकार बन रहे हैं। आज की सत्संग को यही विश्राम करते हैं। एक ही बात अंत में कहना चाहूंगी, मनुष्य धर्म परमो धर्म, किसी की आप इच्छा मत करो कि आपको कुछ अच्छा काम करने पर दे, चाहे आपको बदनामी करे, बुराई करे, लेकिन अपना अच्छा कर्म करते रहो, वो ही सबसे बड़ा धर्म है। एक मनुष्य होके किसी मनुष्य की सहायता करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है, तो ये करते रहो, भगवान एक दिन आपसे प्रसन्न अवश्य होंगे, आपके कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे। आपको आशीर्वाद देते हुए आज की सत्संग को यही समाप्त करते हैं। जय शनिदेव। हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।